अभी तक आपने देखा ही नहीं। तो घंटी बजाते हुए मैं नमन आपका स्वागत करता हूँ द FNTT में, जहाँ पे हम आपको दर्शन कराने वाले हैं साउथ केरला के। तो पटरी पार करते हुए हम चल रहे हैं आगे और हम पहुंच गए हैं अलप्पुझा बीच पे, और यहाँ पे पानी का प्रेशर ठीक है और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी खाया, जो कि हम आपको स्टाइलिश तरीके से दिखाने वाले हैं, और इसी के साथ साउथ के नज़ारे भी। तो वेलकम टू साउथ केरला। वॉलेट चोरी होने के बाद हम लोग रुके होटल कुवैत रेजिडेंसी, क्योंकि हमने 14.5 घंटे की नींद करनी थी। और ये होटल बहुत अच्छा था, सबसे पहली बात ये फैब होटल से लिंक था, लेकिन हमने बुक करा था ओयो से। और यहाँ पे हमने खाना खाया बिरयानी और कप्पा, पहले जो आपने देखा वो कप्पा था और ये थी बिरयानी। और अगले दिन हम रेल की पटरी पार करने के बाद पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे हमने खाया वेजिटेबल स्टू और पुट्टू। तो वेजिटेबल स्टू ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा आइटम है, वेजिटेबल करी के साथ साथ स्टू भी मिलता है और कड़ला करी भी मिलती है, तो अगर आपको स्टू खाना हो तो आप खा सकते हो। केरला स्टू मेन स्टू से अलग होता है, क्योंकि इसमें कोकोनट मिल्क डलता है, अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स डलती है, केरला तड़का डलता है और साथ में कोकोनट ऑयल में पकाया जाता है। काफ़ी एक हेल्दी और लाइट आइटम था, नमक कम था स्टू में तो मैंने नमक एक्स्ट्रा लिया था, साथ में एक मालाबार परांठा भी ले लिया था। मालाबार परांठा यहाँ का ठीक नहीं लगा, बारिश में भीड़ भी कम थी तो मैं आराम से अपना खाना खा सका। और ये जो स्टाइलिश फिल्टर जो आप देख रहे हैं, ये हर किसी टोपी लग गई थी, कैमरा में गलती से फिल्टर ऑन हो गया था, तो आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने ये ब्रेकफास्ट एंजॉय करा, ये स्टू ज़्यादा महंगा नहीं था, आप लोग इंजॉय कर सकते हैं अगर आप रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं। तो खाना खाने के बाद हम तुरंत वॉक करके गए अलप्पी बीच में। बारिश के मौसम की वजह से बीच का पानी थोड़ा सा मैला हो गया था, अदरवाइज बीच मुझे पूरी तरीके से साफ ही दिख रही थी। तो दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है आम आदमी की समुद्र पे साधारण और सुरक्षित हरकतें। स्पर्श करते हुए लेते हैं हम आपसे अलविदा, थोड़ी देर में हम आपको मिलेंगे बैक वाटर्स की राइड के साथ। अरे भैया बैक वाटर्स पीछे है, पीछे। तो बैक वाटर्स की राइड का वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि हमारी बोट रेस कैंसिल हो चुकी थी, तो हमने सोचा हम बैक वाटर साइड ले ही लेते। तो मुझे एक सज्जन व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे ये ऑफर करा और उनके प्राइस रेंज मुझे सबसे बेस्ट लगे, तो उनकी फोटो मैं आपको जल्दी दिखाने वाला हूँ और साथ में उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दूंगा। तो बोट रेस की जगह मैंने बैक वाटर्स करा, वो भी 2 घंटे का। इतनी प्यारी जगह को कोई मिस नहीं कर सकता, और मैं आपको इस बंदे का डिटेल्स जरूर दूंगा। इस बंदे को एक बार कॉल करूँ,
और ज़्यादा है तो मुझे ही कॉल कर लेना, लेकिन इस बंदे के डिटेल्स ज़रूरी है, ये बंदा बहुत ईमानदार है, लिटरली में इसने जो रेट लगाया ना। कृपया नहीं कॉल, अपनी केरला ट्रिप से 3-4 दिन पहले ही करे। मेरे ख्याल से लोकल्स को ही ऐसा रेट लग सकता है, लेकिन मुझे मिल गया। सर ठीक हो अभी? हाँ जी जी। नारियल पानी? अभी हम नारियल पानी पीने जा रहे हैं, क्योंकि प्यास तो लगती है। अभी हम नारियल पानी पीने जा रहे हैं, यहाँ पे नारियल पानी के लिए रोका जाएगा और अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं क्या होगा। सो अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं बैकवाटर्स, सो स्टे ट्यून्ड। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाइए।